मैं आपको ये बताता हूं कि जैसे ही आप अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप कंप्लीट कर लोगे, जैसे आपका कॉल कटेगा, अब आपको क्या करना है बहुत ध्यान से समझना। जैसे ही आपका फॉलोअप कॉल खत्म होता है, जैसे आप कॉल कट करते हो, तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, आपको वीडियो सेंड करनी है पहली चीज, प्लस आपको अपने अप्लायंस की इनकम प्रूफ भी शेयर करना है पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या करना है, सामने वाले को इंस्टा लिंक शेयर करनी है अपने अपलाइन का, ठीक है, आपके जो भी एक्टिव अपलाइन है, ठीक है, जो हाईली अर्निंग कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, जिनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, उनका आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम लिंक शेयर करना है, ठीक है। तीसरी चीज आपको व्हाट्सअप लिंक, आपको व्हाट्सअप नंबर शेयर करना है अपने अपलाइन का, और उसको एक मैसेज करना है अपने प्रोस्पेक्ट को कि ये सर का नंबर है, आप इनको मैसेज करो और इनको कि बोलो कि मैंने आज का सेशन अटेंड कर लिया है सर, मेरे को कल के सेशन का आप लिंक भेज देना। आपको प्रोस्पेक्ट को ये बोलना पड़ेगा कि ब्रदर जो कल का जो सेशन का जो लिंक है ना, वो मेरे सर भेजेंगे, इसीलिए उनको व्हाट्सअप पे मैसेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाकर आपका प्रोस्पेक्ट क्या करेगा, आपके जो अपलाइन है उनको मैसेज करेगा, ठीक है। और अगर आप अपलाइन हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाले को ना आपको लिंक भेजना है, आपके डाउनलाइन भी भेजेगा, बट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाले को लिंक शेयर करो, अगर आप अपलाइन हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो। एंड लास्ट, टेक डॉक्यूमेंट और शेयर लिंक फॉर ज्वाइनिंग। या तो आपको सामने वाले से ना डॉक्यूमेंट ले लेना है ज्वाइनिंग करवाने के लिए, ठीक है, या फिर आप दूसरा क्या कर सकते हो, आप अपना जो भी ज्वाइनिंग लिंक है वो आप अपने प्रोस्पेक्ट को शेयर कर सकते हो ज्वाइनिंग के लिए। ये आप तभी करना अगर वेबिनार में सर ने ये बताया है कि जैसे ही मीटिंग खत्म होगा तो आपको क्या करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, ज्वाइनिंग करनी है, तभी जाकर आपको अपने प्रोस्पेक्ट से या तो डॉक्यूमेंट लेना है या फिर आपको सामने वाले को ज्वाइनिंग लिंक शेयर करनी है, ठीक है, ताकि वो रजिस्टर्ड कर ले। देखो अगर आप सामने वाले को ना शुरू में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा दोगे ना, तो शुरू से ही ना उसके अंदर सीरियसनेस आ जाएगी, मेरी बात समझ आ रही है। तो आपको जो मैंने ये चार काम बताए हैं, फॉलो अप के बाद बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहली चीज, जो आप वीडियोस भेजते हो वो भेजो, इनकम प्रूफ भेजो, ठीक है, अपने अपलाइन का इंस्टॉलिंग शेयर करो, ठीक है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कराओ अपने प्रोस्पेक्ट को, सामने वाले को आप व्हाट्सएप नंबर भेज दो अपने अपलाइन का, एंड लास्ट मैंने बताया आपको डॉक्यूमेंट लेनी है या फिर उसको लिंक शेयर करना ज्वाइनिंग के लिए। ये चार काम आपको करना ही करना है, अगर आपको रिजल्ट ना बहुत अच्छा चाहिए तो ये चार काम जरूर कर लेना, ठीक है। मैं आप लोगों को ना एक बोनस पॉइंट सिखाना चाहता हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर जैसे वेबिनार खत्म होता है तो हम क्या करें, हम ना हड़बड़ा जाते हैं, वहां पे आपको हड़बड़ाना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले तो जैसे जब आप वेबिनार में लोगों को बैठाते होगे, तो आई होप आपके 5-10 लोग तो बैठते होंगे वेबिनार में, ठीक है, तो उन सारे लोगों का ना एक ब्रॉडकास्ट होना चाहिए आपके पास, और जैसे ही आपका वेबिनार खत्म होगा आपको एक सिंपली एक मैसेज करना है कि हाउ वाज द सेशन, क्या मैसेज करना है, हाउ वाज द सेशन, सेशन कैसा था। अब सामने वाला ना अपना रिव्यू शेयर करेगा कि हाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है, जिसका भी अगर रिप्लाई आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उनको एक मैसेज करना है, एक रिप्लाई करना है। दूसरा पॉइंट, रिप्लाई क्या करना है कि आई विल कॉल यू आफ्टर 10-15 मिनट, जैसा कि मैंने आपको डूज एंड डोंट्स में सिखाया था कि हमें 10-15 मिनट के बाद कॉल करना शुरू करना है, तो आपको क्या करना है, मैसेज कर देना सामने वाले को कि आई विल कॉल यू 10-15 मिनट, ठीक है, मैं आपको 10-15 मिनट के बाद कॉल करूंगा या कॉल करूंगी। अगर आप ये मैसेज कर दोगे तो सामने वाला भी रिलैक्स हो जाएगा और आप भी रिलैक्स हो जाओगे, नहीं तो क्या होगा, सामने से ना भी कॉल आने लगता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सबसे पहले मैं किसको करूं, इस चक्कर में ना हम किसी का भी अच्छे से फॉलोअप नहीं ले पाते, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, जैसे ही 10-15 मिनट होगा, तो जैसा कि मैंने सामने वाले को मैसेज किया था ना कि आपको मैं कॉल करूंगा या कॉल करूंगी, तो सामने वाले का ना सीरियसनेस चेक करने के लिए कि वो बंदा कितना सीरियस है, आप एक चीज कर सकते हो, आपको सामने वाले को ना कॉल नहीं करना, आपको अगेन एक मैसेज करना है, डोंट कॉल, अगेन ड्रॉप मैसेज कि ब्रदर आपका ना कॉल नहीं लग रहा है, प्लीज कॉल मी। आपको क्या झूठ का आपको एक मैसेज करना है प्रोस्पेक्ट को कि ब्रदर मैंने आपको कॉल किया बट आपका कॉल लग नहीं रहा है, तो प्लीज कॉल मी बैक। अगर सामने वाला आपको कॉल कर रहा है तो आप ये समझ जाना कि सामने वाला बंदा सीरियस है। आपको मैं सिर्फ इसलिए ये चीजें बता रहा हूं ताकि सामने वाला का सीरियसनेस पता लगे कि वो कितना सीरियस है इस बिजनेस को लेकर। अगर सामने वाला कॉल कर दिया तो आप समझो कि बहुत अच्छा सीरियस है, इस पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। अगर कोई कॉल नहीं कर रहा है, अगर आप खुद से सामने वाले को कॉल कर रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे जहां तक लगता है कि उसके अंदर थोड़ा सीरियसनेस कम होगा, नहीं तो अगर जो सीरियस होगा वो आपको कॉल बैक तो करेगा ही करेगा, ठीक है। लेकिन आप कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा करते हो कि आप डायरेक्ट कॉल करते हो, तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैंने आपको ये तरीके इसलिए बताए ताकि आपको सामने वाले का ना सीरियसनेस पता लग सके, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।